हेलो दोस्तों, बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बच्चों के आर्ट, तो सभी के लिए मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो अभी दोस्तों हम मशीन पे चल रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या होता है। कल तो यानी थोड़ा ही काम था, कल शुक्रवार था, लेबर की छुट्टी थी। तो अभी हम चल रहे हैं मशीन पे, देखते हैं आज क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं मशीन पे। दोस्तों अभी चलते हैं हम। ये गेट है, इस तरफ में देख सकते हो ये टंकी वाले पाइप पड़ रहे हैं। सामने देख सकते हो सारी रास्ता खराब पड़ी है इस साइड में, तो मोटरसाइकिल हमारी उस साइड में खड़ी है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, तो ये खड़ी हमारी बाइक, तो अभी हम निकलते हैं। तो ये देख सकते हो सारा ही रोड खराब कर दी है ना, टंकी वाले पाइप पड़े हैं बीच में। तो ठीक भी हो जाएगी अभी तो, मान ली सुविधा तो होगी होगी, ये सारे पड़ेंगे टंकी वाले पाइप। तो चलते हैं दोस्तों मशीन पे। पे आ चुके हैं ये मात्रा में अंदर, और ये खड़ी हमारी बाइक। तो अभी हम चलते हैं, वो सामने खड़ी हमारी मशीन। तो चलाने मशीन साफ़ सफाई कर दी, स्टार्ट करके इस साइड में खड़ी कर दी है। तो अभी हम लेके चलेंगे, पहले इसमें डीजल डलाएंगे और फिर जाएंगे मिट्टी खोदने के लिए। तो दोस्तों पहले लेके आते हैं डीजल की पर्ची। तो ये है ऑफिस, बैठे मुंशी जी। उनसे जी डीजल की पर्ची दे दो, डीजल की पर्ची। जेसीबी की डीजल की पर्ची 50 लीटर, 50 लीटर। दोस्तों डीजल की पर्ची मिल चुकी है हमें 50 लीटर की। तो अभी हम चल रहे हैं पंप पे, तो अभी हम पंप पे चल रहे हैं डीजल डलाने के लिए। कर दे फिर मशीन साफ सफाई ना, है? कर दे। तो अभी चल रहा है डीजल डलाने, लो पर्ची। तो दोस्तों अभी हम डीजल डलाने चल रहे हैं, चाबी कहाँ है? चलो मशीन स्टार्ट करते हैं। सुबह ठंड लगती है, मशीन स्टार्ट हो गई है हमारी। तो अभी हम लेके चलते हैं, तो पहले डीजल डलाते हैं, फिर देखते हैं फल में क्या होता है क्या नहीं। ये खड़ी है सामने हमारी बाइक। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, पहले डीजल पंप पे चल रहे हैं, फिर डीजल डलाते हैं पहले, फिर देखते हैं। दोस्तों डीजल पंप पे पहुंच चुके हैं हम, सामने देख सकते हो आप। तो अभी हम डीजल डलाते हैं। लो 50 लीटर डाल दो। पर्ची निकाल दी डीजल की,
44,84.50 रुपया। तो दोस्तों ये देख सकते हो सामने डीजल की पर्ची है, 79 रुपये डीजल है, 79 रुपया 59 पैसा, वे 69 पैसा, 44,84.50 रुपये। तो इतने का ये डीजल पड़ा हुआ है। तो अभी हम चल रहे हैं मशीन लेके पत्थर में को। दोस्तों आ चुके हैं, देख सकते हो, क्योंकि कल मिट्टी बनी नहीं थी तो कल मिक्स कर दी थी हमने, तो आज इसको सिर्फ भरना भरना है हमें। तो मिट्टी को कल हमने मिक्स कर दी थी खड्डे में, तो आज इस खड्डे में से सिर्फ भरना है हमें मिट्टी को। और दोस्तों ये देख सकते हो सामने ईंट है, पूरी बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं ईंट, इस तरीके से बढ़िया तरीके से खड़ी करी जा रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं ईंट किस तरीके की पती हुई है, कितनी सफाई है ईंट में कितनी नहीं, तो अभी हम आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों मशीन अभी खड़ी कर दी, तो दिखाते हैं हम आपको। हाँ टिल्लू कहाँ चंदे, कहाँ चंदे। दोस्तों देख सकते हो राठौर नाम है ईंट का, कितनी सफाई है ईंट में, तो अच्छी तरीके से बिल्कुल इस फर्स्ट क्लास मिट्टी बनती है। देख सकते हो ईंट में कितनी सफाई है, धार कोन वगैरह सबसे ज़्यादा महंगी है इस भट्टे की ईंट, और नंबर वन पे भट्टा चलता है यूपी में, यहाँ पे बदायूं जिला में नंबर वन पे है ये भट्टा। साफ सफाई अच्छी है ईंटों की, इसलिए बिकती है, काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे ईंट खरीदने के लिए, और अच्छे रेट भी हैं तो इसलिए आते भी हैं लोग। और ईंट की साफ़ सफाई देखनी जाती है तो ईंट की साफ़ सफाई भी बढ़िया है और भट्टे से बढ़िया है, क्योंकि कोले से ही पकती है इस पर ईंट, तुर्री वगैरह से नहीं पकती है। तो देख सकते हो कितनी साफ़ सफाई है। तो दोस्तों देख सकते हो कहां से कहां तक ये सारे में ईंट लग चुकी है, और मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखे, चैनल पे पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। तो देख सकते हो काफ़ी ईंट पत चुकी है, 2-3 लाख तो होएगी कम से कम, क्योंकि एक हफ्ता काम होता चलता हो गया, एक हफ्ता काम। और इस साइड में ये भट्टा है, तो देख सकते हो पूरे में ईंट है, पूरे में ईंट ईंट पथी हुई हैं पीछे से लेके वहाँ तक। देख रहे हो दोस्तों कल की मिली पड़ी है, एकदम मलाई बन गई है। तो अभी ट्रालियाँ आएंगी जो गारे वाली मशीन है, तो उनमें हम भरेंगे। देख सकते हो वहाँ से वहाँ तक गड्ढा कल मिक्स कर दिया था, तो आज हम इसको भरेंगे। तो ये खड़ी मशीन, डीजल वगैरह सारा कुछ पड़ गया है, तो ट्राली आती होंगी इस तरफ, देख सकते हो ईंटें लगी जा रही हैं। तो दोस्तों बने रहिए, देखते हैं आज पहले खड्डे को इसको खाली करेंगे, फिर ये वाली मिट्टी है इस खड्डे में पड़ेगी, क्योंकि उस साइड से जो थी मिट्टी वो पड़ गई इस खड्डे में। देख सकते हो दोस्तों ट्राली आ चुकी है हमारी गारे वाली, तो अभी सामने हमारे पीछे देख सकते हो ट्राली आ रही है गारे वाली। तो अभी हम भरते हैं उसको और दिखाते हैं उसको, खाली भी करके दिखाते हैं वो कैसे खाली होती है। तो बने रहिए वीडियो में, अभी पहले लोडिंग करेंगे उसको मशीन से, जेसीबी से, और फिर उसको खाली करते हैं पत्थर में, किस तरीके से खाली होती है वो, तो किस तरीके की ढेरी लगती है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, और जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में। तो दोस्तों ये देख सकते हो ट्राली आ चुकी है हमारी, तो ये खाली भी करेंगे, तो अभी हम भरते हैं इसको।
इसको हम चल रहे हैं ट्रैक्टर के साथ में, जहाँ पे ईंटो का फड़ है वहाँ पे अभी चल रहे हैं हम। तो इस फड़ में, सामने वाले फड़ में यहाँ पे मिट्टी उतरेगी, किस तरीके से उतरती है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए। तो ये है देखो सोनालिका DI 750 है, 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, क्योंकि छोटा ट्रैक्टर चलेगा नहीं, क्योंकि एक बार इस पर, इस मशीन पे सोनाली का 35 ट्रैक्टर डाला था तो उसकी क्लच प्लेट उड़ गई थी। तो ये देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है सोनाली का DI 750। और ये मशीन है डबल सापट की मशीन है, गियर बक्सा दिया हुआ है इसका मशीन का, सामने देख सकते हो जो बेल्ट लगी हुई है वो सामने गियर बक्सा है। तो देखो दोस्तों सामने उतरने लगी है ढेरी मिट्टी, किस तरीके से ढेरी लगती है। और ये दूसरे गियर में भी चला सकते हो, पहले गियर में भी चला सकते हो, तीसरे में भी चला सकते हो, यानी कि ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो दूसरे या पहले में ही चलाने में ठीक रहता है, क्योंकि ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो इस तरीके से निकल रही है मिट्टी, बहुत बढ़िया मिट्टी निकलती है इसमें। डेढ़े वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और बाकी मशीन से ख़त्म कर दिए जाते हैं वहाँ पर, मिट्टी मिक्स करी जाती है तो, और जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो मशीन ख़त्म कर देती है। तो देख सकते हो दोस्तों एक ढेरी यहाँ पे लगेगी, वो भी दिखाते हैं हम आपको। तो बहुत ही अच्छी तरीके की मशीन है, भट्टे पे कामयाब मशीन है गारा बनाने के लिए, क्योंकि हम, मैं यूज कर रहा हूँ 2019 से ये मशीन यूज कर रहा हूँ मशीन पे। तो देख सकते हो एक ये 2019 में आई थी, और जो पीले वाली है वो अभी आई थी 2020 में आई थी, और ये 2019 में आई थी। दोस्तों जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, ना कोई कमी आई है ना कुछ, संभल से मंगाई थी ये मशीन। तो देख सकते हो दोस्तों ये मिट्टी झांकनी पड़ती है, क्योंकि धूप से इस पर मिट्टी ख़राब नहीं हो जाए, जो टाइट हो जाती है। तो देख सकते हो कितनी प्यारी ढेरी लगा दी है, जितना जिसको यूज करनी होती है मिट्टी उतनी ही उतर पाता है, क्योंकि एक ट्राली में 3000 से 3500 आती है ईंट की मिट्टी। और देख सकते हो दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है मशीन, और काफ़ी बढ़िया है चलने में भी। तो मैं JCB चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गया मैं इसको लोडिंग करता हूँ, तो मैं खुद भी कभी कभी खुद भी चलाता हूँ मैं इसको मशीन को। तो दोस्तों देख सकते हो मिट्टी इसमें ख़त्म हो चुकी है, तो अभी हम चल रहे हैं मशीन के पास में, फिर दोबारा से इसको लोड करेंगे। तो ये बिल्कुल खाली हो चुकी है, थोड़ा ही रह गया होगा इसमें, शायद थोड़ी सी रह गई मिट्टी, एक ढेरी और लग जाएगी। तो अभी हम लेके इसको चलेंगे फिर मशीन के पास में। तो ये देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि चौथे गियर में भी चल सकती है और पहले गियर में भी चल सकती है, तो इसमें डबल सापट है तो बैक में मिट्टी निकालती है, जो ये बैक में भी चलानी पड़ती है, बैक गियर में लगा देते हैं तो पीछे मिट्टी डालोगे तो मिट्टी ऑटोमेटिक आगे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं मशीन के पास में, तो ये देख सकते हो एक हफ्ता में ईंट की चट्टी लगा दी है इन्होंने फड़ में, देख सकते हो इधर भी लगे हुए हैं ईंट और इस साइड में भी लगी हुई है ईंट है। तो दोस्तों एक हफ्ता हुआ है ईंट पाथते हुए, करीब 1.5 से 2 लाख ईंट करीब, तो काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है दोस्तों इस भट्टे पे। तो अभी हम चल रहे हैं और देख सकते हो एक सामने ये ट्राली आ रही है, तो ये अभी नई आई है, ये 2020 में, तो ये 2019 की है। तो दोनों ट्रैक्टर, ये सोनाली का DI 750 सिकंदर है, और ये सोनाली का 750 है, तो यानी वो नया है सिकंदर, 18 मॉडल है ट्रैक्टर, ज़्यादा नहीं चले हुए हैं, दोनों ट्रैक्टर बढ़िया हैं, एक ही कंपनी के हैं, क्योंकि बढ़िया वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम मशीन पर पहुँचने वाले हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे फड़ियाँ लग चुकी हैं इधर साइड में। तो इसी के बराबर में ये गैस एजेंसी यहाँ पे सामने देख सकते हो, उसी के सामने वो हमारी मशीन खड़ी है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, दिखाते हैं कुछ और नया। देख सकते हो ये ट्राली खाली होके आई है यही वाली, और देख सकते हो यहाँ पे ये खड्डा भी इतना खाली हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से मिट्टी खाली होती है खड्डे में से, और अब शाम को लोडिंग करेंगे खड्डे को, तो देखना, तो बने रहिए वीडियो में।
ट्राली खड़ी है हमारे पीछे, इलास्टिक ट्राली है, खड्डा देख सकते हो पूरा वहाँ से वहाँ तक खाली हो गया है खड्डा। तो अभी हम खड्डा भरेंगे ये पूरा, तो देख सकते हो पूरा खड्डा खाली हो चुका है। और कितना टाइम हो गया, 3:47 हुए हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से आए थे और देख सकते हो 3:47 हो गए। तो अभी हम चल रहे हैं, मिट्टी डालते हैं और दिखाते हैं हम आपके लिए, तो बने रहिए दोस्तों। फाइनली दोस्तों अब काम खत्म हुआ है, देख सकते हो आप, जब से लगे तो अब काम खत्म हुआ है, देख सकते हो 6 बज गए हैं पूरे। तो अभी हम भट्टे पे चल रहे हैं, देखते हैं अभी भट्टे पे खड़ी करेंगे फिर चलते हैं घर पर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। देख सकते हो अभी हम भट्टे पे आ चुके हैं, सामने देख सकते हो भट्टे पे सभी स्टाफ चला गया है, हम ही रह गए हैं बस, हम दोनों गुरु चेले रह चुके हैं। तो अभी हम भी चल रहे हैं, देख सकते हो सारे गाड़ियां वगैरह खड़ी करके सब लोग चले गए। तो आज हम लेट हो गए, 6 बज गए। मशीन को खड़ी करते हैं हम, क्योंकि आज काम लेट शुरू किया था इसलिए 12 बजे इसलिए काम शुरू किया था इसलिए लेट हो गए। लगा दो पैर दोस्तों, अभी मशीन खड़ी करते हैं फिर चलते हैं घर पे। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय।